हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम पॉलीनोमियल का नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.6 में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले छोटी क्लासेस में भी आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ जो नंबर्स गिवन होते हैं उन नंबर्स का ही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था। तो एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो दो तीन नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ कॉमन जो है कॉमन टर्म्स को निकालते हैं, वहाँ पर वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो मैक्सिमम पावर होगी आपको उन नंबर्स में से जो सबसे ज़्यादा आ रहा है मैक्सिमम, वो होना चाहिए एलसीएम के अंदर। तो यहाँ पर भी वही करना है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पॉलीनोमियल गिवन है कि एक पॉलीनोमियल है 24x2y z और दूसरा है 27x4y2z2। ये दो एक्सप्रेशन गिवन है और इन दोनों एक्सप्रेशन का आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 24 और 27 है इनके हम फैक्टर्स करेंगे पहले। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, और 8 के जब फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 1, 24 के हो गए फैक्टर्स। और बाकी के जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई और जेड, बाकी की टर्म्स एज इट इज़ रहेगी। ऐसे ही 27, यहाँ पर 27 ये पूरा लिखेंगे 24x2yz एंड 27x4y2z2। तो इसी तरह से 27 के फैक्टर करेंगे 3 की पावर 3 और x4y2z2। हमने 24 और 27 दोनों के फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर कैसे करते हैं, इस तरह से आपने छोटी क्लासेस में किया होगा फैक्टर्स करके और हमने उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 3, क्या यहाँ पे 2 की पावर 3 है, नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिखना है। 2 की पावर 3 लिख दिया, फिर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 3 है। जब दोनों में कॉमन होता है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा वाला लिखना है, इन दोनों में से में जो मैक्सिमम पावर है जो बड़ा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 की पावर 3 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, एक्स की पावर 4। वाई और वाई स्क्वायर में से मैक्सिमम कौन है, वाई स्क्वायर। जेड और जेड स्क्वायर में से मैक्सिमम कौन है, जेड स्क्वायर लिख दिया। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 3 की पावर 3 27, फिर बाकी के एक्सप्रेशन जो है बाकी के टर्म्स जो है एक्स फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया। 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 एक्स फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम। इस तरह से आपको जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगे उनके एलसीएम फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो पॉलीनोमियल गिवन है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, यहाँ पर तो सिंपल था एक्स स्क्वायर वाई जेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है इसलिए पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद में आप इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करोगे। तो सबसे पहला हमारा पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर इस 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस 3 आ जाए। तो 2 के फैक्टर तो एक ही होते हैं, 2 1 2, 2 + 1 करने पर हमको 3 भी मिल जाएगा, और माइनस 3 लाने के लिए हम माइनस 2 और माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा और ये प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, माइनस है, माइनस लगा दिया और 1 लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स, बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज और ये माइनस 2। दोनों ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 2, तो यहाँ से मिला हमें एक्स माइनस 1, ये हो गए फैक्टर्स। इसी तरह से दूसरे वाले पॉलीनोमियल में फैक्टर्स करने से पहले आप देख सकते हैं कि अभी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इन सब में से कॉमन ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर को।
एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब ये जो ब्रैकेट है ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो हम इस ब्रैकेट के फैक्टर्स करेंगे। बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सिक्स के फैक्टर करने हैं और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वन चाहिए। तो सिक्स के फैक्टर क्या होंगे, टू थ्री जा सिक्स, और थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। फिर कॉमन लेना होता है, ये बाहर एक्स स्क्वायर तो चलता रहेगा साथ में, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस थ्री। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस टू, ब्रैकेट में आएगा x प्लस थ्री। फिर यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से x प्लस थ्री कॉमन, यहाँ से मिला x और ये माइनस टू। तो हमने इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके फैक्टर्स कर दिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सब ब्रैकेट से जो ब्रैकेट में नहीं है उसको लिख देते सबसे पहले क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। अब कुछ कॉमन है तो देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस टू, यहाँ पर x माइनस टू, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पर x माइनस टू ही आएगा। फिर अब जो रिमेनिंग है, मैंने क्या बोला था, एलसीएम में चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो सबको लिखना ही होता है। अगर कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों में से जो बड़ा है, जैसे यहाँ पर भी x कॉमन था तो दोनों में से मैक्सिमम वाले को लिखा अपन ने। तो यहाँ पर तो x माइनस टू कॉमन तो है लेकिन दोनों की पावर सेम है इसलिए x माइनस टू आ गया। अब जो बचे हैं सारे एक्सप्रेशन वो भी लिख देंगे, x माइनस वन इधर से बचा और इधर से क्या बचा, x प्लस थ्री, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई में है तो आप इसको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में आप इनको पोजीशन इनकी चेंज कर सकते हो, तो हो सकता है एक्स माइनस वन आगे हो आंसर के में, ये पीछे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में ये एक दूसरे की प्लेस ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है इसी का, 2x स्क्वायर माइनस एट एंड x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पर भी आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, फैक्टर्स करने पड़ेंगे पहले हमें। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस फोर। फिर क्योंकि x स्क्वायर तो फैक्टर्स तो करने होंगे उसके, तो आप क्या करें, यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर बाहर 2 चलता रहेगा, इसको ए प्लस बी मतलब कि एक्स प्लस टू और ए माइनस बी एक्स माइनस टू, ये हो गए हमारे 2x स्क्वायर माइनस 8 के फैक्टर्स। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिक्स के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस फाइव आ जाए, तो सिक्स के फैक्टर क्या होंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स, और थ्री प्लस टू करने पर हमको फाइव मिल जाएगा, और माइनस थ्री और माइनस टू लेंगे तो माइनस फाइव एक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स एंड प्लस सिक्स। फिर क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन, एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से क्या कॉमन है, टू, ब्रैकेट में x, क्योंकि हमने बाहर माइनस लगाया है इसलिए साइन चेंज, माइनस थ्री, इन दोनों में से वापस x माइनस थ्री कॉमन और यहाँ से मिला हमें x माइनस टू। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे पहले जिसके जो फैक्टर के फॉर्म में नहीं है उसको लिख दिया, ये टू लिख दिया हमने। अब देखते हैं कॉमन क्या है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू लिख दिया। फिर उसके अलावा जो भी है वो भी आएंगे। अब क्या क्या बचा, यहाँ से x प्लस टू और यहाँ से क्या बचा, x माइनस थ्री, ये हो गया पॉलीनोमियल, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब आपको यहाँ पर आंसर में भी जाके देखना है कि अभी भी कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो हम देख सकते हैं कि आंसर में a माइनस भी a प्लस भी दिख रहा है हमें, तो a माइनस भी a प्लस भी अगर है तो उसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा वाला फैक्टर x माइनस थ्री एज इट इज़। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस थ्री, ये हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पर आपको थ्री पॉलीनोमियल्स या थ्री एक्सप्रेशंस गिवन है, तो तीनों के फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद में लास्ट में एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 1,
इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर्स कर दिए। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन। सेकंड पॉलीनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन। इसके कोई फैक्टर्स कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यही रहेगा फाइनल। ये हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड, और थर्ड पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है तो हम चेक कर लेते हैं फैक्टर्स हो रहे या नहीं हो रहे। यहाँ पर वन है, वन इंटू वन वन, वन के ऐसे फैक्टर करने हैं वापस वन आ जाए, तो वन के फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, वन इंटू वन होता है बस। तो वन प्लस वन करने पर तो टू हो जाएगा जो हमको नहीं चाहिए, और वन माइनस वन करने पर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के भी फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो जिसके फैक्टर्स हो रहे थे उसके कर दिए, इन दोनों के पॉसिबल नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में सबसे पहले फैक्टर्स देखो, यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर भी x प्लस वन है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं x प्लस वन, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ से बचा हमारे पास में x माइनस वन, यहाँ से क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट वाला पॉलीनोमियल है हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस वन। अब आप आंसर फाइंड करने के लिए देख सकते हैं यहाँ वापस एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और थर्ड हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अभी भी वापस एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे a, फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसको ओपन करेंगे हम, एक्स की पावर बन जाएगी फोर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो हमारा एलसीएम होगा एक्स फोर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका, 18 ब्रैकेट में 6x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और 45 2x पावर 6 प्लस 3x पावर 5 एंड x पावर 4। तो यहाँ पर भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब में से कॉमन लेके इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे, और उसके बाद में इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 18 है, 18 के फैक्टर्स करेंगे, 3 6 जा 18, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, आप चाहो तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो 18 लिख के, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 18 के फैक्टर्स हो गए। अब आप इन सब में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1। ये देख सकते हैं ब्रैकेट जो है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, 6 वन जा 6, और ब्रैकेट में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 1 और ये माइनस 1। अब कॉमन लेना है, 3 स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1 लगा दिया, और माइनस है इसलिए साइन चेंज करेंगे 2x प्लस 1। फिर 2x प्लस 1 कॉमन है, 3 स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, इन दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से मिला हमें 3x माइनस 1, तो ये होगा इसके फैक्टर्स। अब सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा 45 2x पावर 6, 3x की पावर है 5 एंड x 4, तो 45 के फैक्टर्स करेंगे, 5 9 जा 45, और 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 5, ये हो गए 45 के फैक्टर्स। इन तीनों में से x की पावर 4 कॉमन है, x की पावर 4 जो यहाँ लिखा होगा उसी को कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर 3x प्लस
वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स करने हैं, टू वन ज़ा टू, टू प्लस वन थ्री, यहाँ पर थ्री स्क्वायर इंटू फाइव एक्स पावर फोर, फैक्टर्स करेंगे हम टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, टू वन ज़ा टू, टू प्लस वन थ्री और प्लस वन, थ्री स्क्वायर इंटू फाइव एक्स की पावर फोर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, टू एक्स कॉमन है, टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास में एक्स प्लस वन, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए वन, ब्रैकेट में लिख देंगे हम एक्स प्लस वन। फिर दोनों ब्रैकेट्स में से वापस कॉमन लेना है हमें, तो थ्री स्क्वायर इंटू फाइव एक्स पावर फोर, एक्स प्लस वन कॉमन, यहाँ से मिलेगा हमें 2x प्लस वन, ये हो गए फैक्टर्स। अब हम LCM फाइंड करते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन का। LCM क्या होगा, सबसे पहले थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर दोनों में है, सबसे पहले हम थ्री स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है 2x स्क्वायर और यहाँ पे 5x पावर 4, तो मैंने क्या कहा आपको कॉमन नहीं है तो भी लिखना है, तो एक 2 भी आएगा और ये 5 भी आएगा। x 4 और x स्क्वायर दोनों में मैक्सिमम पावर है x की पावर 4, तो बड़ी वाली पावर लिख दी। अब ब्रैकेट्स वाले देखते हैं, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में है इसलिए हम 2x प्लस 1 को लिख देते हैं। फिर रिमेनिंग यहाँ से क्या बचा, 3x माइनस 1 बचा और यहाँ से x प्लस 1, ये हो गया LCM। और इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 टू ज़ा 10 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 90x की पावर 4। और बाकी की टर्म्स सबसे पहले हम x प्लस 1 को आगे लिख देते हैं, फिर 2x प्लस 1 और लास्ट में आ जाएगा 3x माइनस 1, ये हमारा आंसर। आप चाहो तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 को पीछे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में क्या फाइंड किया था, LCM, तो LCM में हमने जो कॉमन नहीं था उनको भी लिया था, लेकिन HCF में क्या करना है, सिर्फ जो कॉमन है सभी में वो ही लेंगे, इसके अलावा आपको उन दूसरे एक्सप्रेशंस को नहीं लेना है। तो फर्स्ट है हमारा a क्यूब b 4, a b की पावर है 5, फिर है ए स्क्वायर बी की पावर है 8। तो पहला अब यहाँ पे फैक्टर्स तो करने नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसका HCF फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमको फैक्टर्स नहीं करने हैं इसलिए। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं, ए क्यूब ए और ए स्क्वायर, अब आपको सबसे कम मिनिमम पावर देखनी है, तो सबसे मिनिमम पावर किसकी है, यहाँ पर ए के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब कि ए की पावर कितनी है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, ए। फिर हम b को चेक करते हैं, b की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पे b के ऊपर पावर 5 और ये 8, 4, 5 और 8, सबसे कम पावर किसकी है, 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा a b की पावर 4। मिनिमम पावर देखनी है HCF में, LCM में क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है 16x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको इस 16 के फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गए फैक्टर्स। फिर है 48x की पावर 4 और z, तो 48 के फैक्टर्स करें हम, ये 48, 2 टू ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई, 4 और 3 की पावर 1। ठीक है, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर, अब हम निकालते हैं इसका HCF। HCF में सबसे मिनिमम पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 दोनों में इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4। फिर 3 की पावर 1 यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखना, तो 3 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर दोनों में है, ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर दोनों में है, तो ये वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की पावर 4 जेड है, यहाँ पर जेड लिखना है। तो अब यहाँ पर इधर तो y स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, z है, इसका मतलब कि दोनों में न तो y कॉमन है न z कॉमन है, इसलिए y और z दोनों नहीं आएंगे आंसर में, तो हमारा आंसर है 2 की पावर 4 x स्क्वायर। 2 की पावर 4 को हम कर सकते हैं 16 x स्क्वायर, ये हमारा HCF।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। यहाँ पर हमको तीनों एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दी हुई है, तो पहले हम इनके फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, 4 थ्री ज़ा 12, 4 प्लस थ्री 7, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 12। इन दोनों में से x कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस फोर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस और ये 3, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस फोर। फिर दोनों ब्रैकेट में से x माइनस फोर कॉमन, यहाँ से मिला हमें x माइनस थ्री, ये हो गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। सेकंड है x स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन, तो यहाँ पर 21 के फैक्टर करने हैं और हमें क्या चाहिए माइनस टेन, तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 7 थ्री ज़ा 21, 7 प्लस थ्री 10, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन, कॉमन लेंगे x कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस सेवन, माइनस थ्री कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस सेवन, दोनों ब्रैकेट में से x माइनस सेवन कॉमन, तो यहाँ से मिला हमें x माइनस थ्री। सेकेंड पॉलिनॉमियल के भी कर दिए हमने फैक्टर्स। थर्ड है x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, 15 के फैक्टर करके 2 लाना है, 3 5 ज़ा 15 और 3 माइनस 5 करेंगे तो, या फिर 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, 5 माइनस 3 टू एक्स और ये माइनस 15, दोनों में से x कॉमन तो ये हो गया x प्लस 5, यहाँ से 3 कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों में से कॉमन है, यहाँ से मिला हमें x माइनस 3। तो हमने क्या किया, इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कर दिए। अब हम फाइंड करते हैं HCF। HCF में सिर्फ वही आएगा जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ x माइनस 3, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि x माइनस 4 सब में नहीं है, x माइनस 7 सभी में नहीं है और यहाँ से x प्लस 5 इन सब में नहीं है, इसलिए जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 2 एंड x प्लस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसका HCF लिखेंगे। HCF x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3, दोनों में से मिनिमम पावर क्या है x प्लस 3, तो यहाँ लिख दिया हमने x प्लस 3, x माइनस 2 और x माइनस 2 होल स्क्वायर, दोनों में से मिनिमम कौन है, ये कम है तो ये x माइनस 2, तो हमारा आंसर है x प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है, और हम चाहें तो इसको ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, तो दोनों ही आंसर राइट है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों ही आंसर्स होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 24 6 एक्स 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हमने एलसीएम में भी किया है, फर्स्ट में भी, तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है और बाहर 24 है, तो 24 के फैक्टर 3 एट ज़ा 24, 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3 और ये 3 और इन तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक बन गया, तो हम फैक्टर करेंगे 6 2 ज़ा 12, 12 के फैक्टर करके हमको माइनस 1 लाना है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर, 12 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स, 4 3 ज़ा 12 और माइनस 4 प्लस 3 करने पर हमको माइनस 1 भी मिल जाएगा, माइनस 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से 2x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 लिख देंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से
थ्री एक्स माइनस टू कॉमन, यहाँ से टू एक्स और प्लस वन, ये हो गए फैक्टर्स फर्स्ट एक्सप्रेशन के। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 26x पावर 6, 5x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4, इन तीनों में से क्या कॉमन है, एक्स पावर 4। उससे पहले 20 के फैक्टर, 4 5 ज़ा 20, 4 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर और 4 × 5 20 हो जाएगा, और कॉमन क्या ले रहे हैं हम, एक्स की पावर 4 को कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6x स्क्वायर 5x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स करने हैं यहाँ बाहर 2 स्क्वायर 5x 4, 6 के फैक्टर करने हैं, 5 लाना है, तो 6 × 6 और 6 × 6 से नहीं होगा, 6 के फैक्टर ला के करके 5 लाना है, तो 2 × 3 = 6 और 2 + 3 = 5, तो यहाँ 6x स्क्वायर फिर ये 2x + 3x + 1, 2 + 3 = 5 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारे 6 भी आ रहा है, 2 स्क्वायर × 5x 4, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं इसलिए 1, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3x + 1, फैक्टर्स हो गए। अब 3x + 1 फिर से कॉमन है, तो यहाँ 2 स्क्वायर × 5x 4 दोनों में से 3x + 1, ये दोनों फैक्टर्स कॉमन, तो यहाँ से 2x + 1, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम फाइंड करते हैं HCF। HCF में यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, हमें क्या करना है, दोनों में से मिनिमम पावर चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर 5, लेकिन उधर 5 नहीं है, उधर 3 है तो इधर 3 नहीं है तो नहीं लिखना। अब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 में से मिनिमम क्या कौन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर। इसके बाद में 3x - 2 और 2x + 1, तो यहाँ पर 3x - 2 है तो वो यहाँ नहीं है, नहीं लिखना। 2x + 1 यहाँ पर है, 2x + 1 यहाँ पर भी है, इसलिए हम लिखेंगे 2x + 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 1, तो हमारा HCF है 4x स्क्वायर ब्रैकेट 2x + 1, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।